एक अज्ञात सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखें पूरी ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में मंगलवार रात दबंगों ने गुर्गो संघ पहुंचकर गांव के एक युवक के मकान में तोड़फोड़ की। विरोध करने पर उसके पिता व ममेरे भाई की पिटाई की, कीमती सामान भी लूट ले गए। पीड़ित ने 7 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी। सैनी कोतवाली क्षेत्र के सयारा गांव निवासी मोहम्मद रहमान ने बताया कि पड़ोसी शकील से एक जमीन को लेकर उसका विवाद चल रहा है। इसे लेकर वह आए दिन गाली गलौज करता है, विरोध करने में झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है। पीड़ित की माने तो सोमवार को शकील ने साथियों संग उसके मकान में लगा टीन शेड उखाड़ कर फेंक दिया था। इसके बाद मंगलवार की रात गांव के ही दबंगों ने अपने साथियों सहित कई लोगों के साथ 2 गाड़ियों से आए। इन लोगों ने पीड़ित के दरवाजे पर पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी। आरोपी मकान में तोड़फोड़ करने के साथ ही कमरे में रखा लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि कीमती सामान उठाकर ले गए। विरोध करने पर पीड़ित के पिता मर्दानी शफी व ममेरे भाई हलीम की पिटाई की। दबंगों के चले जाने के बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सहित यूपी के बड़े अधिकारियों से की है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। 10 बजे के बाद में साहब आए ये लोग, शकील के साथ आदमी शेरू और क्या पप्पू पंडित और वहाँ सिरातू के वो रवि मोरिया, ये सब आ करके यहाँ पर और उनके साथी थे, 13 आदमी थे और सब इनकी सब मिल करके पहले घर गिराया। घर गिराने के बाद में यहाँ से एक मोबाइल था वो लेकर के गए, एक टार्च थी वो लेकर के गए जो इमरजेंसी थी, और फिर मेरे को यहाँ पर मारा जूतों से और मार मार करके, और यूँ कहने लगे अगर तुमने इस तरह से किसी से बोलने की कोशिश करी तो तुमको जान से मरवा देंगे और यहाँ सहारा में तुम्हारा कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं देगा। और ये बार बार ये शकील मेरे को माँ बहन की और लड़कियों की गालियाँ बकरिया था और जूतों से ही मेरे को पटक पटक करके मारा। क्या नाम है आपका? हम मेरा नाम मर्दान शफी। मैं थाना सैनी क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि उनके मकान को गिरा दिया गया और उनके घर पर लूटपाट की गई है। उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही, साक्ष्य एवं सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।